वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कथा गुरबाणी विचार देख रहे सारे ही दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारी साध संगत जी, कुदरत दा ये नियम है, जिस दा जन्म होया है उसकी मौत भी नेत है। मौत एक ऐसा सच है जिसनूं कोई भी नकार नहीं सकता ते ना ही इस तो बच सकता है। मौत आने ते हर इंसान नूं अपने शरीर का त्याग करना ही पैंदा है। आत्मा दा इस संसार ते कुछ भी अपना नहीं, यह अमर है। इस दा अंत कदे नहीं हुंदा, वो अपने कर्मां अनुसार बार बार जन्म लैंदी है। मनुख दा शरीर भी अपना नहीं है, यह शरीर उसनू परमात्मा राही प्राप्त होया है, जो एक दिन खत्म होना ही है। पर फिर भी इंसान इस संसार विच जन्म लैके मोह माया दे चक्करां विच पै जांदा है ते मरण तो बाद भी उसका कुछ चीज़ां नाल मोह नहीं टुटता। पर गुरबाणी का यह फरमान है, जदों तक इंसान इन्हां संसारिक चीज़ां नूं त्याग के पूरी तरह परमात्मा का नहीं हो जाता, उदों तक वह अलग अलग रूप च जन्म लैके आउंदा है। कुछ चीज़ां एवें दियां ने जिन्हां का इस्तेमाल सानूं कदे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हां चीज़ां नाल मरन वाले इंसान की ऊर्जा जुड़ी होंदी है। मरण तो बाद भी उस इंसान की अपनी कुछ प्यारियां चीज़ां नाल मोह जुड़िया रहिंदा है, जिस करके उसकी आत्मा उन्हां चीज़ां ते कब्जा रखती है। पर जे आपां उन्हां चीज़ां का इस्तेमाल करते हाँ तो आपां किसी मुसीबत में फस सकते हैं। आओ जानते हैं वह कैड़ियां चीज़ां ने जिन्हों का इस्तेमाल सानू नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ है माड़े कर्म। जे तुहाडा कोई अपना माड़े कर्म करता सी तां असी उस राह ते नहीं चलना। यह नहीं सोचना कि उसने इस तरीके बड़े पैसे कमाए, मैं भी कमा लवा। हमेशा चंगे कर्म करो, हक दा खाओ, नहीं तो सारी उम्र तक यही खाओगे। एवें दे मनुख नूं ना इत्थे इज्जत मिलती है ना उत्ते जाके। दुनियावी वस्तुआं तुसी इस्तेमाल कर सकते हो, उस नाल कुछ नहीं माड़ा होना तुहाडा, क्योंकि कपड़े जुत्तियां गहने ये सब दुनियावी चीज़ां ने, उसकी आत्मा इन्हां विच नहीं है। दूसरी चीज़ है उस इंसान दियां माड़ियां आदतां। जे असी सोचिए कि साडा करीबी जां परिवार दे मैंबर नूं यह आदत सी, असी भी उवें ही करांगे, तां फिर साडा सारा जीवन ही मुश्किलां भरिया ही रहेगा। पर जे उस इंसान विच चंगीआं आदतां सन तां उहनां नूं तुसीं जरूर वरतो। माँ प्यो दे चंगे गुण, चंगीआं आदतां ते चंगे कर्मां नाल ही बचिया जा सकता है ते उन्हां दी जिंदगी भी स्वर्ग बन सकती है। इसलिए जे कुछ वरतना है तां चंगे गुण, चंगे कर्म, चंगीआं आदतां वरतो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।